हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अन्वेशास क्रिएटिविटी। और आज का क्रिएटिव वीडियो है DIY। जी हाँ, काफ़ी टाइम से आप सब वेट कर रहे थे मेरे DIY का, तो मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक ऐसा DIY लेकर के। और एक नहीं, इस बार मैं लेकर के आई हूँ इसी वीडियो में बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारा DIY, जो कि आप पूरा देखेंगे तब आपको वीडियो का पता चलेगा। आपके घर में इस टाइप के ग्लास के बॉटल तो ज़रूर होंगे, मुझे पता है सभी के घर में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक ही जैसे हों, आपके पास छोटे बड़े जैसे मर्जी डिज़ाइन के कांच के ग्लास हो या बॉटल्स हों, आप उनको कैसे रीयूज़ कर सकते हैं अपने किचन में, अपने घर में, घर की डेकोरेशन के लिए किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वही का आइडिया आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए। तो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर 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 कर दें और शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें विद बेल बटन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये लिए हैं, ये ग्लास के बॉटल है मेरे पास, ये चार बॉटल एक जैसे मिल गए मुझे बाय चांस, वो भी अचार के बॉटल हैं। तो उनका क्या कर रही हूँ, पहला DIY यानी कि पहला आइडिया मैं आपको दे रही हूँ। और उसके लिए मैंने क्या किया है, ये मास्किंग टेप ले सकते हैं, जिसको पेपर टेप भी बोला जाता है, तो या तो आप मास्किंग टेप ले सकते हैं। अगर आपके पास मास्किंग टेप अवेलेबल नहीं है तो आप सेलो टेप का भी यूज कर सकते हैं। और मास्किंग टेप को मैं क्या कर रही हूँ, राउंड सर्कल मैं इसको चारों तरफ इस तरीके से लपेट रही हूँ हाफ बॉटल पर। आप चाहें तो पूरी बॉटल पर भी लगा सकते हैं, मैं हाफ बॉटल पर लगा रही हूँ। और टेप लगाते टाइम बॉटल पर ये ध्यान रखें कि आपका जो टेप है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, इक्वल एक ही पोर्शन में आपका टेप लगा होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, तो मैंने एक जगह लगा दिया है, इसके बाद में सिर्फ एक जगह और मैं लगाऊंगी। आप चाहें तो पूरी तरीके से बॉटल को कवर कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लाइनिंग चाहिए तो। ये करने का बेसिकली क्या मोटिव है वो आपको आगे बताऊँगी, और किस किस चीज़ में हम बॉटल्स को यूज़ करते हैं। मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जल्दी ही आपके साथ में और भी आइडियाज़ शेयर करूँगी, फ़िलहाल इस वीडियो को देखें। तो इस टाइप से मैंने ये तीन चार बॉटल्स के ऊपर बिल्कुल बराबर, ऊंचा नीचा नहीं है कोई भी, सबको बराबर इस तरीके से मैंने मास्किंग टेप लगा लिया है। और टेप लगाने के बाद में मैं ले रही हूँ अपने पास ये कैमल का एक्रेलिक स्प्रे पेंट। आप चाहें तो इसकी जगह एक्रेलिक कलर भी ले सकते हैं, स्प्रे पेंट भी बहुत अच्छा होता है, तो मैंने भी यूज़ किया है, ये काम को आसान बना देता है। अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप चाहते हैं तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैठे घर बैठे बैठे आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, और यूज़ करना भी बहुत ही आसान है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यूज़ किस तरीके से कर रही हूँ मैं, ये मेरे पास है सिल्वर कलर का पेंट। सिल्वर पेंट को मैं सिर्फ इस पोर्शन के ऊपर कर रही हूँ जहाँ पे मैंने मास्किंग टेप लगाया है, और इसके बाद में बैक साइड में कर रही हूँ। बैक साइड में इसलिए कर रही हूँ जिससे कि हमारी बॉटल पर हल्का इल्यूजन आए, नीचे के साइड से जब होगा तो वो बहुत अच्छा लगेगा। और इसको करने के बाद में मैंने सुखा दिया है अच्छे से 3 से 4 घंटे के लिए, और सुखाने के बाद में मैंने इनका जो मास्किंग टेप था वो निकाल लिया है, और निकालने के बाद में मेरी ये बॉटल इस तरीके से तैयार हो गई है। मैंने इसके ऊपर लिड के ऊपर भी सिल्वर कलर का पेंट किया है, स्प्रे पेंट। तो अभी ये मेरी बॉटल्स रेडी हैं इस तरीके से मसाला रखने के लिए। आप किचन में इस तरह की बॉटल्स को यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत सुंदर लगती हैं, ये आपके ऊपर डिज़ाइनिंग है, आप जैसी मर्जी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, जिस भी कलर का यूज़ कर लेकर के कर सकते हैं। मैंने सिल्वर कलर किया है क्योंकि मुझे सिल्वर चाहिए था। और आपको ये दिखाऊं दूसरा आइडिया, आप इस तरीके से चाहें तो इस तरीके से भी पूरी बॉटल को पेंट कर सकते हैं। ये मैंने डबल कलर में किया है, और ये वाला DIY मैंने आपके साथ में शेयर भी किया था, लगभग 1 साल हो गया है, और ये मेरी बॉटल एज इट इज़ हैं और बहुत अच्छे से यूज़ हो रही हैं और देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। और मुझे इन बॉटल्स के लिए कई बारी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल चुके हैं, जब भी ये बॉटल मेरे काउंटर टॉप पर रखी हुई होती हैं ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। तो अभी मैंने सिल्वर और ब्लू का कॉम्बिनेशन में ये कुछ बॉटल्स तैयार की हैं। ये सिल्वर वाली बॉटल हैं जिनको मैंने स्पाइस के
रखने के लिए रखा है और ये ब्लू वाली बॉटल है, और दोनों को कॉम्बिनेशन मिला करके अगर हम अपने काउंटर टॉप पर रखेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। तो अगला आइडिया है ये कि अगर आपके पास इस टाइप की बॉटल है तो उसका लेबल जो होता है वो पानी के अंदर डिप करके रखें आप आधे घंटे के लिए, और फिर वो आसानी से निकल जाता है। और अब इसको बॉटल को साफ़ करने के बाद में मैं ले रही हूँ फैब्रिक्रिल का फैब्रिक कलर, और ये मैंने थोड़ा सा ही लिया है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। और इसमें 3 से 4 डिप मैं पानी मिला रही हूँ जिससे कि मेरा ये पेंट बिल्कुल पतला हो जाए, और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद में मैं क्या करती हूँ वो आपको दिखाती हूँ, और लेकिन हाँ ये ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा मिक्स करने से हमारा पेंट बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो अगर आपके पास वाटर सोल्यूबल जो कलर होते हैं वो नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी बॉटल को पेंट कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरती के साथ और बहुत ही सस्ते में। तो मैंने क्या किया है, उस कलर को पानी मिक्स करके इस तरीके से बॉटल को घुमाते हुए बॉटल के अंदर डाल दिया है, और 2 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से पकड़ के रखूँगी और पूरी तरीके से इसके अंदर कलर हो जाने तक मैं इसको रखूँगी, और रखने के बाद में जो एक्सेस कलर है वो मैं निकाल दूँगी और बॉटल को उल्टा करके थोड़ी देर इसका कलर झड़ने तक, बिल्कुल जो लिक्विड कलर है वो एक्स्ट्रा कलर जो होगा वो निकल जाएगा और जो कलर लगना होगा इसके अंदर लग जाएगा। तो इस तरीके से मेरी ये बॉटल तैयार हो जाएगी, और जितना भी एक्स्ट्रा कलर है उसको मैं वापस अपनी बाउल में निकाल दूंगी जिससे कि इसके अंदर एक्स्ट्रा कलर ना रहे, अगर ज़्यादा होगा तो फिर इसमें निशान पड़ जाएंगे। और इसको सुखाने के लिए रख दूंगी 1 से 2 घंटे, और उसके बाद में हमारा पर्सनल सा कैंडल लाइट होल्डर रेडी है, वो भी बहुत ही सस्ते में। तो मैंने इसके अंदर इस तरीके से बैटरी ऑपरेटेड एक लाइट रखी है, और इसके आप देख सकते हैं अपर साइड में मैंने एक फ्लावर वाला एक रबर बैंड लगाया है। आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी जूट वाली रोप वगैरह भी लगा सकते हैं, इस तरीके से तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा अगर आप इसको हैंगिंग लैम्प के रूप में बदलना चाहते हैं तो इसमें मैंने क्या किया है, फेरी लाइट डाल रखी है और इसको मैंने हैंग कर दिया है जूट की रस्सी के साथ में। सेम मैंने कैंडल होल्डर को जूट की रस्सी लपेट करके इसके अपर साइड में और इसके अंदर फेरी लाइट डाल दी है, और साथ ही साथ मैंने क्रीपर के साथ में यहाँ पर लगाया है, तो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत इफ़ेक्ट आ रहा है। हालांकि मैंने इसके अंदर पिंक कलर की लाइट डाली है तो इतना आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर आप येलो कलर या ग्रीन कलर की लाइट डालेंगे ग्रीन कलर की उसमें बॉटल के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अगला आइडिया था ये, और इसके बाद में जो नेक्स्ट आइडिया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके लिए मैंने ली है एक बॉटल और अगर आपके पास इस टाइप की बॉटल नहीं है तो आप चौड़े मुँह की बोतल भी ले सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं कर रही हूँ येलो कलर का फैब्रिक्रिल का फैब्रिक कलर, और कलर करने के बाद में बॉटल को पूरी तरीके से अच्छे से कलर करूँगी जिससे कि इसके ऊपर कोई स्ट्रोक्स ना चमके, और कलर करने के बाद में बॉटल को मैं पूरी तरीके से ड्राई होने के लिए सनलाइट में भी रख सकते हैं आप, और चाहें तो आप हवा में भी सुखा सकते हैं क्योंकि आजकल समर्स हैं तो जल्दी से ये ड्राई हो जाएगी, 15 से 20 मिनट लगेंगे इसको ड्राई होने में। तो इस तरीके से मैं आराम से हल्के हाथ से इस पर पेंट कर दूंगी और उसके बाद में ड्राई हो गई है ये मेरी बॉटल। ड्राई होने के बाद में ये देखिए कुछ इस तरीके से लग रही है, और अब मैं क्या कर रही हूँ इस बॉटल का ये सब तरीके से इवन बिल्कुल पेंट हो गई है, और अब मैं ले रही हूँ एक जो आपके पास इस टाइप का कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले सकते हैं या फिर फोम शीट ले सकते हैं, और इसके ऊपर मैंने बटरफ्लाई कट की है और बटरफ्लाई के ऊपर एक और बटरफ्लाई कट की है, और पीछे के साइड में मैंने लगाया है नॉर्मल PVA ग्लू। आप चाहें तो हॉट ग्लू गन से भी स्टिक कर सकते हैं, चाहें तो इसके ऊपर कोई फैबिक्विक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने यहाँ पर बॉटल के ऊपर लगा दिया है मेकअप, आप जो भी चीज़ रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक आइडिया आपको दिया है कि इस तरीके से आप कॉम भी रख सकते हैं। नेक्स्ट उसमें मैंने रखा है इसके अंदर कुछ ब्रशेस, मेकअप ब्रशेस रखे हैं, कुछ अपना मेकअप का प्रोडक्ट रखा है, तो इस तरीके से रख सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर से करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आइडिया नंबर कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा है। मैं इंतज़ार करूँगी और ये हैं आपके लिए रेफरेंस। जल्दी मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय द वीडियो।